दीदी की दुकान है जो तूफान के कारण टूट गया है। देखो वो देखो मेरा ख्वाहिश जा रहा है पानी में बह बह कर। हाय गाइस, आप सबको मेरे ब्लॉगर में चैनल पर स्वागत है। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं दुपट्टा वगैरह लेकर कुर्ते वगैरह पहन के क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया। गाइस आज से मेरा और एक न्यू शॉर्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। और मेरा जो फर्स्ट लुक है वो यही होगा। मैंने कुर्ती वगैरह पहन लिया, लेकिन गाइस पजामा पहनना भूल गई मेरा भी हालत शाहरुख खान जैसा हो गया। तो चलो फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि हम शूट कैसे करते हैं और कहाँ करेंगे। बस ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मुझे ये रिंग लाइट वगैरह लेना पड़ेगा, ये मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग करेंगे कल्पना दीदी के घर में शूट करेंगे और मुझे लाइटिंग बहुत चाहिए होगा, तो इसीलिए मुझे ये खोलना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं खोल लेती हूँ। गाइस देखो मैंने ये खोल लिया है, मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि अगर ये ख़राब हो गया तो मेरा इतना महंगा रिंग लाइट इसे इस बैग में डाल लेती हूँ। ओह माय गॉड, इस बैग में डाल लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे खाना वाना खाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगा शायद। देखो पूरा वेदर, तो फटाफट से ये सब कर लेती हूँ। मैं पहले लोकेशन में पहुँच लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। गाइस इतना सब सामान लेके मैं अकेले कैसे जाऊँगी, देखो कितना सामान है। खैर कोई बात नहीं, लेते हैं। कपड़े की हालत देखो मैंने क्या करके रखा है। खैर कोई बात नहीं, आके ठीक करेंगे, चलो फटाफट चलते हैं। गाइस अभी मैं जा रही हूँ, ये देखो इतना सारा ये सामान लेके नहीं जाऊँगी। ये धान है जो कि चावल बनाएगा अभी, तो लेके जा रहे हैं भैया भी जा रहे हैं, तो अभी चलो इसी से चलते हैं, क्योंकि ये लोग जहाँ पे जाएंगे उसी तरफ जाना होगा, कल्पना देवी के घर उसी तरफ है, तो चलो चलते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ हमारी बड़ी माँ के घर में, क्योंकि हमारा जो आज का शॉर्ट फिल्म है ये घर का सीन होगा, तो इसे यहीं पे करूँगी। और यहाँ पे जो मेरी दीदी है ना, कल्पना दीदी, उनके इतनी सारी दोस्त है, उन सबसे आप लोगों को मिल पाती हूँ, आप लोगों ने पहले भी मिला है। और एक का काम देखोगे, करतूत देखो, एक बस्ते से बस्ते के अंदर से देखो ये लोग धान खा रहा है। ए देखो वाह, तुम लोगों का तो मौज है ना। ये शर्मा गई, तू भी शर्मा गई। और गाइस यहाँ पे हमारा सब कुछ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जयंत भैया और एक लड़का नहीं आया, तो जब वो लोग आएंगे तब उनका शूट स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा और बिल्डर का पहले है, वो कर लेते हैं। और ये ऐस के बहुत दिनों की बात मेरा ये टी शर्ट पहन के आई है, जिस पे मेरा थोपड़ा लगा हुआ है। तो गाइस देखो हम लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले चारों तरफ बस खेती खेती था, अब देखो पानी से भर चुका है, क्योंकि हमारी असम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो बाढ़ से भर गया है पूरा, देखो पानी पानी हो गया चारों तरफ। तो मुझे उस तरफ जाना होगा, एक काम है मुझे, तो करके आते हैं चलो। क्योंकि ये जो आप लोग कागज़ देख रहे हो ना, ये मेरी एक मैनिफेस्टेशन की कागज़ है, तो इससे पानी में बहाना होता है, तो चलो इसे पानी में बहा देते हैं। ये मतलब एक रिचुअल है, मैनिफेस्टेशन जब पूरा होता है तब इसे हमें कागज़ को बहाना पड़ता है, जिस कागज़ में हम लिखते हैं। तो ये मेरा पूरा हो गया जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, वो देखो मेरा ख्वाहिश जा रहा है पानी में बह बह कर। तो चलो अभी चलते हैं, शूट स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस अभी हमारा स्टार्ट हो गया है शूट, और कैमरामैन को देखो इतना ज़्यादा पानी के पास गया है, पानी में गिर जाएगा, तो तैरना भी नहीं आता है। अच्छा चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग बस देखते रहो। तो गाइस अभी फिर से हम लोग आ गए हैं पानी की इधर पे, क्योंकि हमारा लास्ट वाला जो सीन है वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम मैं और दिलदार कुछ यहाँ पे पानी में कुछ करने वाले हैं, जो क्या करेंगे क्या होगा वो सब कुछ आपको शॉर्ट फिल्म में देखने से पता चलेगा। और गाइस और एक बात बता दूँ, मेरी जो और एक शॉर्ट फिल्म है वो कल रिलीज होने वाला है, तो आप लोग जाओ जल्दी से मेरे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो अभी मेरा शूट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद और उसे मिलते हैं। अभी हमारा जो सीन था एंडिंग का वो थोड़ा सा किया है, अभी जाके देखते हैं बाकी लोग आया है या नहीं, फिर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। चलो गाइस ये बकरी को देखो, कब से मैं कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि इसकी जो दो बेबी हुई है परसों हुई है,
बहुत छोटा छोटा बेबी है, उनको ऊपर उठा के रखा है, तो ये बोल रहा है कि उनको नीचे उतार दो। गाइस ये देखो इसकी दो बेटियाँ, और यहाँ पे देखो सारा रिंग लाइट्स वगैरह सेटअप कर दिया गया है, और ये सब देख रहे हो ना, ये सब धान है, ठीक है दीदी की यहाँ पे बहुत सारा धान का है, वो बोरी दिखेगा आप लोगों को, जो कि दीदी ने अकेले खेती किया था। तो गाइस अभी हमारा बारिश हो रहा है और बाहर का शूट अभी नहीं कर सकते, कैमरा मैन इतना कहाँ 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 क्या करता है। गाइस वो है मेरी सासू माँ। एक्शन। तो गाइस अभी मैं नीचे बैठी हूँ क्योंकि हम लोग डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग सब इन लोगों को याद करा के दे रहे हैं। मुझे भी ड्यूटी पर जाना है। हमारी जो कल्पना दीदी है ना, इनको हिंदी बोलना थोड़ा परेशानी होता है, फिर भी एक ही टेक में बोल दिया डायलॉग। देखिए अभी हमारा जो आज का सीन था वो ख़त्म हो चुका है, कि बारिश के कारण सब उल्टा पुल्टा हो गया, फिर भी जितना हो सका हमने ख़त्म किया है, और बाकी कल करेंगे। और ये वाला शॉर्ट फिल्म ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि लोग इतना लंबा देखने के लिए किसी के पास वो नहीं होती, धैर्य नहीं होती है, तो इसलिए छोटा करेंगे जितना हो सके। तो बाकी का जो बचा हुआ है वो कल करेंगे। तो अभी मैं फटाफट से ये कपड़ा वगैरह बदल लेती हूँ, क्योंकि ये पहन के नहीं जाती थी, बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो मैं फटाफट चेंज कर जाती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, कल दोबारा से आएंगे, और ये है मेरी जाने मन जाने जिगर, मेरी दीदी, मेरी बॉयफ्रेंड, मेरी सासू माँ, मेरी पति, ये मेरी सब होती है। और ये सब इनकी मतलब दीदी की जो फनी वीडियो बनाते हैं ना, उसकी सब वीडियो में साथ देते हैं, वो लोग भी वीडियो करता है। तो यहाँ पे हालत देखो, पूरा कीचड़ से भर गया है क्योंकि बारिश हो रहा था। और ये मेरी दीदी की दुकान है जो तूफान के कारण टूट गया है, देखो बिल्कुल सा। और अभी चलो दीदी के साथ एक रील्स बनाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। हाय गाइस, तो देखो मैं वहाँ से शूट ख़त्म करके किसी तरह से घर आई थी, और घर आके मैंने थोड़ा सा कुछ खा के मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाई थी, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मैं पानी लेकर जाना भूल गई थी और भूल ही गई पानी पीना भी, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया था क्योंकि एसिडिटी हो गया था, तो इसलिए मैं खाना खाकर सो गई थी। और अभी जाकर मैं उठी हूँ, और अभी मुझे ढेर सारा काम है, मुझे शॉर्ट्स एडिट करना है, ब्लॉग एडिट करना है, क्योंकि मेरे जो एडिटर है वो मेरी शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहा है, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है यार, तो मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा चाय पी के मेरी माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से एडिट कर पाऊँगी, तो फटाफट से चाय लेकर आती हूँ। तो देखो मैं ये मैगी और चाय लेकर आई हूँ, ये खाकर पीकर मैं एडिटिंग पर लग जाऊँगी, क्योंकि एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई साहब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, वो अभी बिजी है, उसको ज़्यादा हेडेक दे भी नहीं सकते, और काम तो रुकना नहीं चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा किसी तरह से, मैं एडिटिंग कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग हर रोज़ चाहिए होता है। और गाइस अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस ये वाले शॉर्ट फिल्म बहुत जल्द आने वाला है, और मे बी कल एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होगा, तो जल्दी से जाओ मेरी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।